न्यूज लीडर्स के नक्षत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 26 मार्च शनिवार है। आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए अपना दैनिक राशिफल पंडित राधा माधव शरण जी से। मेष राशि वालों का भाग्य संवर्धक समय रहेगा। यात्रा प्रवास लाभकारी होगा। व्यापार में भी सफलता मिलेगी। समाज में भी सम्मान मिलेगा। छात्रों का समय ठीक है। वृषभ राशि वालों का समय कष्टदायक होगा। आर्थिक कमी भी रहेगी। परिवार में कलह ज्यादा होगा। व्यापार में भी नुकसानदायक समय होगा। छात्रों का समय गड़बड़ है। मिथुन राशि वालों का व्यापार में समय श्रेष्ठ है। आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा। मित्रों से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। पत्नी के विचारों से सफलता मिलेगी। छात्रों का समय अत्युत्तम है। कर्क राशि वालों का शत्रु पक्ष कमजोर होगा। पर धन का भी नुकसान होगा। ससुराल से भी कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य भी कमजोर होगा। छात्रों का समय कमजोर है। सिंह राशि वालों का संतान पक्ष में समय श्रेष्ठ है। नव दंपति को संतान लाभ के चांस है। आर्थिक पक्ष में समय अत्युत्तम है। भाई से भी लाभ रहेगा। व्यापार में समय ठीक है। छात्रों को कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों का जमीन जायदाद संबंधित लंबित काम पूरा होगा। अचानक धन का लाभ होगा। माता से भी मदद मिलेगी। घर में सुखद वातावरण रहेगा। छात्रों का समय ठीक है। तुला राशि वालों को भाई से कुछ परेशानी होगी। पैसा डूब सकता है। कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। यात्रा में भी नुकसान होगा। चोरी का भी भय रहेगा। छात्रों का समय खराब है। वृश्चिक राशि वालों के परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगा। आर्थिक लाभ भी अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास से भी लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से नया काम शुरू होगा। छात्रों का समय ठीक है। धनु राशि वालों के लोग आज तुम्हारी बात पर गौर करेंगे। सब तरफ से सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ भी अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी। छात्रों का समय ठीक है। मकर राशि वालों की आमदनी से अधिक आज खर्च होगा। लोगों से उधार लेने की नौबत आवेगी। मन भी आज उदास रहेगा। अपनों के बीच आज आपका मजाक बनेगा। छात्रों का समय खराब है। कुंभ राशि वालों का आज मन लायक काम होगा। व्यापार व्यवसाय में भी आज अच्छा लाभ होगा। मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। आर्थिक तंगी आज दूर होगी। छात्रों का समय ठीक है। मीन राशि वालों का राज्य पक्ष में समय श्रेष्ठ है। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता समाप्त होगी। भूमि का भी लाभ संभव है। छात्रों का समय श्रेष्ठ है। न्यूज लीडर्स की खबरें सहित अपने क्षेत्र की हर खबर अपने मोबाइल तुरंत पाने के लिए न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।